आज मैं देख रहा था कि वफाकी कुछ जो हमारे लोग हैं साद रफीक साहब, राणा सनाउल्ला, अहमद खान, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो देखें, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मेरा एहतराम है इन लोगों के लिए, हमारे दोस्त हैं, लेकिन आपको कोई नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ ने आपको क्या बतौर मुर्गा पाला हुआ है कि आपने हर बात के ऊपर जाके जो है आपने लड़ाई मारनी है, चोंच मारनी है? आपका क्या मामला था ये? जब ये करप्शन के मामला आते हैं तो आपकी पार्टी में लोगों में ये जरूरत होनी चाहिए कि वो नवाज शरीफ को और जरदारी को कहे कि जनाब आप बताइए कि ये जो NRO आया है, सबसे बड़ा बेनिफिशरी नवाज शरीफ है, सबसे बड़ा बेनिफिशरी शहबाज शरीफ है, जरदारी है, जो PMLN और पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स हैं या लोग हैं, अगर आप में इतना ज्यादा आपको बुरा लगता है कि लोग आपको डाकू डाकू कहते हैं, चोर चोर कहते हैं, तो हिम्मत करें ना इनसे कहें कि क्यों आपको जो है ये NROs जो है वो रोक देते हैं। पाकिस्तान का पैसा बाहर गया है, क्या इसमें कोई शुबा है? पाकिस्तान में रिश्वत सतानी, डाकू पुणे की जो इंतहाएं आ इन दोनों जमातों की लीडरशिप ने क्रॉस की है, उसमें क्या कोई शक है? इसके बाद आप कहते हैं कि हमें डाकू डाकू ना कहें, तो आपको क्या कहें आप बता दें हमें? अगर आपकी लीडरशिप पाकिस्तान से 1100 अरब रुपया यहां से लेके बाहर शिफ्ट करेगी तो डाकू से भी कोई बड़ा लफ्ज होगा तो वो इस्तेमाल करना होगा। ये पाकिस्तान यूं लग रहा है कि इन दोनों खानदानों के लिए सिर्फ एक, जिस तरह पुराने बादशाह आते थे तो इलाकों को लूटते थे, बाहर चले जाते थे, यही मॉडल इस वक्त नवाज शरीफ का, जरदारी का है कि बाहर से आते हैं, लूटते हैं, मुल्क वापस चले जाते हैं। आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं है। आप कहते हैं हम इलेक्शनों से नहीं भाग रहे, इलेक्शनों का नाम सुन के आपको गशी के दौरे पड़ जा रहे हैं, क्योंकि आप अवाम में जाने जो आप अवाम में बैठ के खाना नहीं खा सकते, आपने इलेक्शन क्या लड़ने? मैं राणा सनाउल्ला को, साद रफीक को, इनको ये कहता हूं कि आप लोग किसी वक्त अपने बाकी छोड़ दें, लाहौर फैसलाबाद में कभी गार्ड्स के बगैर निकल के खाना खा के दिखा दें। आपको अपनी हालत का ही अंदाजा नहीं है कि आपकी हालत क्या है इस वक्त। इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, 101 यूनियन काउंसिल में 30 पैनल्स आप देख सके हैं PMLN के, पीपल्स पार्टी एक भी पैनल नहीं दे सकी। पूरा मुल्क इस वक्त 75% जो मुल्क की आबादी है वो कह रही है कि आपको इलेक्शन कराने चाहिए। यहां पे सिर्फ आप लोग कह रहे हैं 2018 के इलेक्शन जो है आपके चोरी हुए, आप तो पूरी जमात ही चोरी के ऊपर बनी हुई है। यानी जब जनरल जियाउल हक और जनरल जलानी की पैदा हुई हुई जमात वो हमें ये ताना दे, इमरान खान को ये ताना दे कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन जीते, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। वैसे ही आपकी जमात में तो कोई आदमी, आपकी तो पूरी जमात की पैदाइश गेट नंबर 4 पे हुई है। क्या बातें आप करते हैं? आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात किया करें। जो इस वक्त मामला है, आपसे मुल्क नहीं चल रहा, आपके दोनों फाइनेंस मिनिस्टर ही आपस में लड़ी जा रहे हैं, एक कहता तुमने बेड़ा कर किया है, दूसरा कहता तुमने बेड़ा कर किया है, और आज इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा है कि दोनों ही सही कह रहे हैं क्योंकि दोनों ने ही बेड़ा कर किया है। और मैं ये समझता हूं हम इलेक्शंस की कराने की तरफ जा रहे हैं। हमारे बड़ी सिंपल बात है, 567 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं, ओवरऑल इलेक्शन 859 सीटों के ऊपर होते हैं। इलेक्शन कमीशन में हम सिर्फ ये समझते हैं कि इदारे जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप वो गैर जानबदार होंगे और वो किरदार अदा करेंगे जो आईन में लिखा हुआ है। हम इदारों से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो काम करें जो आईन में लिखा हुआ है। अभी हमें अफसोस है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो रोल है, अदालतों का जो रोल है, जो आईन में लिखा हुआ है, आम तासुर ये है कि वो रोल अदा नहीं हो रहा। अगर नजम सेठी साहब आके ये कहते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खोल दी गई थी कि बाजवा साहब को खतरा था, चीफ साहब को खतरा था, ये अच्छी बात नहीं है। अदालतों के लिए ये तासुर सही नहीं है कि वो जो अथॉरिटीज हैं उनके कहने के ऊपर खुलती और बंद होती हैं। और ये आप शेट्टी साहब के ने कहा है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार है उसकी इतनी तो जरूरत है
कि वो जो इलेक्टेड सेनेटर्स हैं जो बाहर एहतजाज करते हैं या वो आना चाहते हैं, आप इलेक्टेड लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के अंदर ना आने दें, और आप बकौल सेठी साहब के, एक कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब के कहने के ऊपर सारी रात अदालतें खुल जाएं, तो फिर जाहिर है कि उसके ऊपर इसका मतलब है पाकिस्तान के निशान, एक सवालिया निशान है हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर, हमारी अथॉरिटीज के ऊपर। और ये जब तक ये जो आपके फैसले हैं ये बंद कमरों से नहीं निकलेंगे, अवाम के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को सोचने की जरूरत है, आज 1947 में जो ममालिक आजाद हुए थे वो कहाँ हैं और हम कहाँ पे हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या है? क्या पाकिस्तान को हमने इसी तरह एक तीसरी दुनिया का मुल्क रखना है? तो ताकतवर लोग हैं, फैसले तो उन्होंने करने हैं। ये तो सवाल है जो आम लोगों के जहन में है। आम आदमी को आप देखें, तवक्को ही उठ गई है कि कोई इंसाफ यहाँ पे होगा, तवक्को ही उठ गई है। लोग अदालतों में नहीं जाते, कहते हैं बाहर बैठ के फैसला कर लें, हमने जाके क्या करना है। दूसरी तरफ ताकतवर आदमी है, तो इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ वक्त आ गया है। इंशाल्लाह अब से थोड़ी देर के बाद सिंध की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है, हम उनसे भी इसकी फैसले की तौसीक जो है वो ले रहे हैं। और जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि हमारे फैसले जो हैं वो हो चुके हैं, अगर वफाकी हुकूमत अपना इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहती, वो इसी तरह जरदारी और नवाज शरीफ की सियासी लाश को घसीटते हुए आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, हम 12 इलेक्शन के लिए तैयार। ये बताइएगा कि अभी इमरान खान साहब ने बड़ा वसी कर दिया है मशावरत का सिलसिला, कानूनी माहरीन भी, आईनी भी और सियासी भी, लेकिन अभी तक हतमी तारीख नहीं आ रही है, उसके हवाले से क्यों तखीर हो रही है? इसमें जहाँ तक फैसला साजी का ताल्लुक है और इसकी ओपिनियन का ताल्लुक है, वो मुकम्मल हो चुकी हैं। कल पाकिस्तान के जो सारे सीनियर वकला थे वो इकट्ठे हुए, मोनस राई साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे तमाम जो लीगल इसके एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस हो गए हैं। और हमारे तमाम ही वकला का ये मुत्तफिका राय है कि ना तो मुल्क में गवर्नर रूल लग सकता है, ना ही जो असम्बलियाँ हैं वो उनमें कोई कदगन आ सकती है इलेक्शन रोकने के लिए, लिहाजा वो उसके मुताबिक ही आगे। तारीख की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमने आपको बता दिया है। इसी माह होगा या अगला माह जाएगा? नहीं नहीं, इसी माह ही होगा। अच्छा चौधरी साहब, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम काफ के हवाले से बड़ी चहमगोइयां हैं, इमरान रियाज साहब की बहुत सी ट्वीट्स हैं, बहुत सारी जगहों के मोनसाई और उनकी ट्वीट आमने सामने भी हुए, क्या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साथ हैं? राना साहब, बात यह है कि अगर आप अपने ट्वीट करेंगे तो मैं आपकी और मोनस अलाई की ट्वीट्स के ऊपर मैं क्या तस्वीर कर सकता है। एक आम तासर ये भी दिया जा रहा है कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्रांच बनने जा रहा है, या कुछ ऐसा क्यों है आपकी नजर में? देखिए, बात यह है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बना था 20 लोगों का, जरदारी साहब ने उनके ऊपर पैसे भी खर्च किए, उनको सिंध हाउस में रखा भी। जरदारी साहब की हालत यह है कि वो 20 लोग जिनको उन्होंने पैसे दिए वो भी जरदारी साहब के साथ नजर आने को तैयार नहीं। अब न्याय नहीं बन रहा, तो न्याय भी बन सकता है अगर किसी शख्स, कोई शख्स जिसको पागल खाने जाना है वही इस वक्त जो है वो जरदारी है इसके जाएगा ना, और अगर किसी का दिमागी इलाज होना है तो वो फैसला कर लेगा, बाकी जिसने कोई सीरियस सियासत करनी है वो पागल लग जाएगा। क्या जो इमरान खान साहब ने मुजाकरात की दावत दी है, क्या संजीदगी नजर आ रही है पीडीएम मुसलमान जमात की तरफ से कि वो भी एक पीडीएम की संजीदगी सिर्फ ये नजर आ रही है कि हमने किस तरह से जो अपने केस खत्म कराए हैं उसको कंसोलिडेट कैसे करना है। आप देखिए, मरियम नवाज का केस इनके हुआ है, उसकी नैब अपील ही फाइल नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट। अब सिर्फ इनका हुकूमत में रहने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि जो केसेस हमने अपने हक में करवा लिए हैं उनकी अपील के टाइम खत्म करवा लें, और इनका कोई मकसद ही नहीं है हुकूमत में रहने का, ये तो सिर्फ पैसे यहाँ से लेके भागने के चक्कर में। देखिए, बात यह है कि आप मुजाकरात की जरूरत तो उनको है ही नहीं, तो उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, उनके तो ना एसेट्स यहाँ पे हैं, ना बच्चे यहाँ पे हैं, ना कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, तो जाहिर है उनको क्या जरूरत है। कोई ऐसा फैसला जिसमें पाकिस्तान का फायदा हो उसमें पीडीएम के किसी वजीर को क्या? इस वक्त जो तमाशा लगा हुआ है इस्लामाबाद में, आप जाके देखें 10-10 हजार रुपया भी ये JUI और पीपल्स पार्टी के वजीर नहीं छोड़ रहे, तमाशा लगा हुआ है। इस वक्त यूं लग रहा है कि इस्लामाबाद के ऊपर को मंगोलों ने हमला कर दिया और इस वक्त ये लाजवाब है। ये बता दीजिएगा कि क्या
फ्यूचर जो है वो जल्द आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और नून लीग की फ्यूचर जो है वो मुझे ये लग रहा है कि नवाज शरीफ तो शायद वापस ना आए, ये सारे लंदन चले।